था वो ये थी कि एक चीनी, लौंग तवे पर भून के, कभी कच्ची लौंग नहीं, तवे पे भूने और उसको पीस लें, बल्कि आप ऐसे रख लें, आप 3 लौंगे भूने और 3 चम्मच चीनी लेके पीस के रख लें, छोटी छोटी पुड़ियाँ बना के। आप अभी एक आधी छोटी सी पुड़िया बना के खिला दें, बाकी रख दें, 2 घंटे बाद थोड़ी सी खिला दें। पुदीने सौंफ इलायची का पानी बनाएं, बच्ची को पिलाएं छान के, माशाल्लाह ठीक हो जाएगा, क्योंकि दांत निकलते हैं बच्चों के तो तकलीफ होती है। सही, ठीक है जी, ये क्लचर भी आ गया। और क्या मज़ेदार ये चिकन ड्रमस्टिक हैं, जो कि ग्रीन मसाला के साथ खुशबू अच्छी सी आ रही, बस एंड में ऊपर से ब्लैक पेपर क्रश और लेमन जूस डाला। ठीक है, ये हो गई रेडी, पराठा रेडी, अंडों का हलवा रेडी। अब आ जाएंगे हम ड्रिंक की तरफ, जो कि है ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का ग्रीन कॉकटेल हम यूज़ करने जा रहे हैं, उससे बनाएंगे खूब ज़बरदस्त सा ड्रिंक। अच्छा, ऊपर से जा रहा है इसमें सिर्फ तली प्याज, तली प्याज। अच्छा, इसमें हम यूज़ करने जा रहे हैं ब्लूबेरी आइसक्रीम, तो वो मैं ले आती हूँ ताकि फिर आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं इसके। ये है ब्लूबेरी आइसक्रीम। अच्छा जी, अब आपा मैं बता दूँ ड्रिंक का? हाँ, ठीक है। ये हमारे पास ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का ग्रीन कॉकटेल, जो कि हम 1.5 कप लेंगे ये, और इसके साथ ब्लूबेरी आइसक्रीम है यहाँ पर, वो आप ले लीजिए, वो आप तकरीबन 1 कप या उससे थोड़ा कम कर लीजिएगा, बट 1 कप इज इनफ। और ये शुगर है यहाँ पर, 2 टेबलस्पून शुगर है, और दूध यहाँ पर रखा है, दूध हम लेंगे 1 कप, और आइस है, आइस क्यूब्स एज रिक्वायर्ड, कि आपको कितना ठंडा चाहिए तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं, कितनी खूबसूरत आइसक्रीम लग रही है ना। हाँ, और इसके साथ आप देखिएगा कलर बड़ा मज़े का आएगा, ग्रीन कॉकटेल हम यूज़ कर रहे हैं इसका। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो ये सील्ड होता है और इससे ये होता है तमाम न्यूट्रिशंस जो इसके अंदर होती हैं वो सेफ रहती हैं, और ये हम ले रहे हैं 1.5 कप। ये है ग्रीन, जो कि न्यू इसका फ्लेवर है, ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर काम किए, मेरे हाथ लगाए, तुम्हारा काम नहीं है। अच्छा जी, ये 1.5 कप हो गया है, पापा के बगैर हाथ लगाए मेरा काम हो नहीं सकता। और पापा अपनी यहाँ रख दी, इतने डेलिकेट है ये, मुझे इनको हाथ लगाते हुए डर लग रहा होता है। चलो इनको यहाँ रख देते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप, हम ब्लूबेरी आइसक्रीम, ये तकरीबन हमने 1 कप लेना है, और मैं अंदाजे से डाल देती हूँ बस, ये 2 बड़े बड़े से मैंने स्कूप निकालने की कोशिश की है, और 1 कप जब होगा। हाँ सही, आप परफेक्ट हैं, आप जाके आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, 2 टेबलस्पून शुगर। हाँ, ये आइसक्रीम भी तो मीठी ही होती है ना, और जूस भी मीठा है, लेकिन बस दूध और वो आइस क्यूब्स की वजह से। अच्छा, ये हम लेंगे बस 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 1 कप मिल्क, और ये हैं आइस क्यूब। ठीक है, ये हमने खूब ठंडा करने के लिए लिया। फाइनली सारी चीज़ें डल गई हैं, ये रेडी होने जा रहा है, सही समझ कर जिससे पहले उस दिन की तरह कुछ हो जाए। अच्छा जी, हो गया थोड़ा सा, आई थिंक वो आइस सही क्रच नहीं हुई है, वो हो गया। क्या कलर आया है, क्या जबरदस्त लग रहा है, ऐसे पिंकी पिंकी सा हो गया, ये तो कोई मेरे ड्रेस से मैच कर। अच्छा जी, आपा ने तो रेसिपीज रेडी कर दी, बस आपा अब आपने वो बताना, एक तो दही का बताना था, और वो हमारी कॉलर का शुगर का और स्मेल का भी पूछा था। ये देखें क्या ज़बरदस्त रिफ्रेशिंग लग रहा है, खूब मज़ेदार ठंडा ठंडा मज़ेदार ड्रिंक हो गया है ये रेडी, और फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर के साथ। अच्छा सा ड्रिंक रेडी करें, मैं आइसक्रीम को फ्रिज में रख देती ताकि वो मेल्ट होना शुरू कर दी, ताकि ना हो। अच्छा जी, आप बता रही हैं अभी? हाँ, उसके लिए बहन आप एक काम कीजिए, शुगर के लिए अब मुझे नहीं मालूम कि वहाँ भिंडी मिलती होगी, भिंडी की दुनिया में हर जगह मिलती होगी, आप सब आप 2 अदद भिंडी रोज़ाना रात लें, और उसके आप ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा काटें और चीरा लगाएं, और 1 ग्लास पानी लें और उसमें उसको डिप करके
किसी बाहर ऐसी जगह रख दें जहाँ ताज़ी हवा लगे, फ्रिज में नहीं रखिएगा। सुबह उठेंगी तो वो लेस आ चुकी होगी भिंडी की, क्योंकि चीरा लगा होता तो लेस पानी में आ जाती है। आपने बग़ैर हिलाए हुए भिंडी निकाल के फेंक दी और वो पानी सुबह नहार में पी लें। रोज़ाना करें, 15 दिन के बाद अपना टेस्ट कराएं, आप देखिए कितना फ़ायदा होगा। और भुनी दालचीनी को भून के रखने, सिनेमन स्टिक्स जो होती हैं आपने उनको भूना और पीसा, उससे भी कोलेस्ट्रॉल भी कम रहता और शुगर भी कम होती है, ये भी करें। फिर अपने मियाँ के लिए आप मंगवा लें, जो बड़े वाले करंट्स होते हैं, ब्लैक मुनक्के जिसे हम यहाँ कहते हैं, वहाँ मिलते हैं, आप वो लीजिए। और पुदीने के पत्ते ये लेके, और एक इलायची छोटी, आपने दो एक मुनक्का लिया, तीन चार पत्ते पुदीने के लिए, तीन चार इलायची ली, एक प्याली भर के पानी लिया, उसमें ये डाल के पका के छान के रख लें। मियाँ सुबह आप कहें नाश्ते के बाद पी लें और रात सोने से पहले एक दो घूंट पी लें तो मुँह की स्मेल सब खत्म हो जाए। वाह, ये बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह से कर लें। अच्छा, यहाँ पर एक और है, मिसेज शाइस्ता ताहिर फ्रॉम कराची, ये जो एड़ियाँ फट जाती हैं आपा, उसके लिए पूछ रहे हैं। इसके लिए बेटा ज़रा लंबा काम है वो, तो ब्रेक के बाद बता दें। ब्रेक के बाद ठीक है, उसके लिए क्या करना है, क्योंकि आपा ने कहा जैसे बड़ा है तो उसके लिए आराम से बैठ के बताते हैं, वो रह जाएगा। ड्रिंक यहाँ पर ये है मज़ेदार सा शेक जो कि रेडी हुआ है ऑल फ्रूट जूसेस एंड नेक्टर का ग्रीन कॉकटेल के साथ, ब्लूबेरी। ये मज़ेदार सा शेक हो गया है रेडी, जो बड़ा ज़बरदस्त सा लग रहा है। मैं कुछ करूँ ऊपर, थोड़ी आइसक्रीम अगर डल सकती है, ठहर जाएगी ऊपर तो थोड़ा सा कलर आपको और मज़ीद इसका नज़र आएगा। कोशिश करेंगे एंड में डालें ताकि आपको नज़र आए। और वहाँ पर रेसिपीज का तो क्या कहना, खुशबुएं यूं यूं आ रही हैं वहाँ से। अच्छा जी, सवाल आप लोगों के पास ये है कि आपने बताना है जो हलवा पूरी का नाश्ता है उसमें जो हलवा होता है वो किस चीज़ का होता है, वो अंडों का होता है। ऑप्शन ए इज़ अंडों का, बी इज़ के सूजी का होता है, जो लगता है सही 888 पर बताएं। मजीद मैसेज शेयर करेंगे जो लोग पूछ रहे हैं वो हमने शेयर करना है, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा ड्रमस्टिक का सालन, अज्जा चिकन विंग्स की ड्रमस्टिक्स आधा किलो, बारीक कटा हरा धनिया 2 गट्ठी, बारीक कटी प्याज, लीमू 3-3 अदद, हरी मिर्च 8 अदद, लहसुन के बगैर छिले जावे 6। दही और तेल आधी आधी प्याली, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट आधा खाने का चमचा, तेल हसबे जरूरत, नमक हसबे जायका।